बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रख चुकी मौनी रॉय ने हाल ही में एक बार फिर टीवी का रुख किया है। वो जल्द ही एक बार फिर अपने नागिन अवतार से फैंस को सरप्राइज देंगी। लेकिन अब टीवी की इस नागिन को लेकर एक बेहद इंटरेस्टिंग खबर की चर्चा हो रही है। दरअसल करीना मलाइका को पछाड़ते हुए अब नागिन मौनी रॉय ने दबंग 3 के स्पेशल डांस नंबर के लिए बाजी मार ली है। जी हाँ, खबरों की माने तो सलमान खान की दबंग 3 में अब टीवी की ये नागिन ठुमके लगाती नजर आएगी। आपको बता दें कि इस गाने की शूटिंग अगले हफ्ते से वसई स्टूडियो में शुरू होगी। खबरें तो ये भी हैं कि स्पेशल गाने के लिए वसई स्टूडियो में सेट भी बनाया गया है। हालांकि इस सेट पर अभी काम चल रहा है, लेकिन उम्मीद है कि इस फिल्म का स्केड्यूल अगले वीक से शुरू हो जाएगा। खबर है कि सलमान स्पेशल नंबर में मौनी के साथ अपनी फिल्म दबंग का ही हुक स्टेप करते नजर आने वाले हैं। वैसे दबंग 3 में आइटम सॉन्ग को लेकर ये खबरें भी आई थी कि इस बार सलमान की इस फिल्म में चुलबुल पांडे बदनाम होते नजर आने वाले हैं और गाने के लिरिक्स होंगे मुन्ना बदनाम हुआ डार्लिंग तेरे लिए। वैसे अभी तक ये सिर्फ खबरें ही हैं, क्योंकि फिलहाल सलमान, मौनी या फिर दबंग की टीम की तरफ से इस बारे में कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। लेकिन अगर बात की जाए मौनी की, तो मौनी बॉलीवुड में इससे पहले कई आइटम सॉन्ग्स कर चुकी हैं। पिछले साल ही रिलीज हुई फिल्म KGF में मौनी के आइटम सॉन्ग को खूब पसंद किया गया। इसके अलावा मौनी तुम बिन 2 के भी एक सॉन्ग में नजर आ चुकी हैं। और अब अगर वाकई ये बात सच होती है कि मौनी सलमान की दबंग 3 में उनके साथ नजर आएंगी, तो ऐसे में सलमान और मौनी को एक साथ नाचते देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। आप भी बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में कि आप कितने एक्साइटेड हैं टीवी की नागिन और चुलबुल पांडे के इस आइटम सॉन्ग को लेकर।